शांति। मुरली तारिक, 3 मई 1977। कर्मों की अति गुह गति। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षते हैं जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल, आश्चर्यवत है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वह जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या हैं वह खुद भी समझते। क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते, ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और लॉ, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस संतुलन करते हैं। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ़ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉस भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना वह व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना वह इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। बाप को जान लिया, पा लिया व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी का टाइटल भी लग गया, ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए, सहज राजयोगी भी कहलाया, प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा
प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा, प्रलब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज, चेतावनी को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं, अर्थात थक कर जहाँ हैं जैसा है वहाँ ही रुक जाते हैं, आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती है, नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सेल्वेशन सहूलियत के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। यह होगा वह ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसे सेल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील हैं उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूरत उदास और नीरस मूरत होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास उमंग हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी यह टक्कर क्यों होता? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में भी में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ
स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुँचे, तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूँगा, मैं कहाँ से आई, मैं पन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते, मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ। इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो, इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई वा हो गया तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलवाए वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा समृद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब स्वभाव संस्कार व दूसरों के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे, तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी, और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे, हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे, स्वयं
अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे, इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन घबराओ मत, समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं हैं। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले सदा हर सेकेंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारे करने वाले संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले ऐसे हिम्मत उल्लास उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से, अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं, इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है। यह तो नई बातें हैं, यह संकल्प व बोल नहीं होगा और ही राजयुक्त योगयुक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनावेंगे। घबराने वाला नहीं, ऐसे अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर राई के समान अनुभव हो। कमज़ोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगा। इसी पर भी पर ही नंबर बनते हैं, प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं, पढ़ाई तो चलती रहती है लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता है, खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता है। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने का दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है, वह कौन सी गलती, सुनाया ना?
मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, किसने कहा आप चलो, बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो, साथी का साथ पकड़ कर चलो, साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठा कर चलते, जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती, गलती अपनी और फिर उल्हने देंगे बाप को, उंगली खुद छोड़ देते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता, किसने कहा तुम उठाओ, आदत है ना बोझ उठाने की, जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने कहो तो कर नहीं सकेगा, तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं, यह भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं, पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं, जब मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए, पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं, वह कुल ही दूसरा, यह कुल ही दूसरा, वह शूद्र कुल, यह ब्राह्मण कुल, जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा को पालन करना है, जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है, यह भी कुल बदल गया ना तो यह सोचकर भी कमज़ोर ना होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए यह तो होगा ही, लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के प्रमाण यह है ही नहीं, पार्टियों के साथ शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो, ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता है हारना व पीछे लौटना व रुकना, यह कमज़ोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना, तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते, सदा विजयी बनते हैं, तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो जाते हो, वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं यह तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी ज़िंदगी की बात है, एक वर्ष की तो नहीं,
लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, वह सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कब थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है, उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं है, बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो, समझा। जब कोई के सहारे से व कोई समय आपको साथ ले जाए तो फिर थकने की तो बात ही नहीं है। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं, पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो। सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो, क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो, कारण अपने बेसमझी, अपना हट करते हो। जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपने मनमत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। यह बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते तो ऐसे मिक्स करने वालों को सज़ा मिलती है। सज़ा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं को सज़ा के भागी बना देते हैं। खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। जो जिसके नज़दीक होता है उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नज़दीक हो तो उसके संग का रंग ज़रूर लगेगा। जैसे बाप का रूहानी रंग है तो जो संग करेंगे उसे रूहानी रंग लगेगा। एक ही संग होगा तो एक ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिवान बाप का सदा संग है तो माया मुरझा नहीं सकती। कनेक्शन जोड़ है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्वशक्तियों की करंट आएगी। जब सर्वशक्तियाँ मिलती रहेगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गम ही खत्म हो जाएगी। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकेंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं वह कोई सेकेंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का, चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के
सेवा निमित्त बना देती। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते, उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होगी। वह सदा अथक सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो। इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाले पायदे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आँख नहीं डूबेगी, उसको देखेंगे ही नहीं। वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल नापास तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। नॉलेज फुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। यह नई बात है, यह पता नहीं उन्हों के यह शब्द कभी नहीं होंगे। लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए व सर्विस चाहिए वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल शक्तिशाली बनाना, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ व कमज़ोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना, यह अति आवश्यक है। अभी यह सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते। अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने चाहते, वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले। महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी की स्टेज की आजकल ज़रूरत है। वृत्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं, दाता को लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों को सहयोग की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तुम सबको मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो, अपनी डेली डायरी रखो, तभी नंबर आगे का ले सकेंगे। नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा।
आगे बढ़ने वालों की निशानियाँ यह होती हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।